दोस्तों दी कॉफी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमने जनरल साइंस के अंदर ह्यूमन सिस्टम मानव तंत्र वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। दोस्तों ह्यूमन सिस्टम के अंदर हमने सर्वप्रथम रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला टॉपिक स्टार्ट किया है। दोस्तों उसके अंदर हमने ब्लड के बारे में चर्चा की थी कि ब्लड क्या होता है, ब्लड का कार्य क्या होता है और ब्लड के दोस्तों कितने भाग होते हैं। दोस्तों तो हमने द्रव भाग की हमने चर्चा कर ली थी, प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ लिया था और ठोस भाग में भी दोस्तों हमने आरबीसी के बारे में चर्चा कर ली पिछले वाले वीडियो के अंदर। दोस्तों अब हम ठोस भाग के अंदर रक्त कणिकाओं के अंदर अब चर्चा करते हैं दोस्तों डब्ल्यूबीसी की। और जो डब्ल्यूबीसी होती है दोस्तों इसका पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस सेल। क्या होता है दोस्तों? व्हाइट ब्लड कॉर्पस सेल होता है और दोस्तों हिंदी में बोलते हैं दोस्तों श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं दोस्तों, श्वेत रुधिर कणिकाएं। अब दोस्तों तो डब्ल्यूबीसी होती है दोस्तों ये एक कोशिका होती है दोस्तों। डब्ल्यूबीसी क्या होती है दोस्तों? कोशिका होती है दोस्तों। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? कोशिका होती है। और दोस्तों इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है दोस्तों? दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी होती है ये बाह्य रोगाणु से दोस्तों बाह्य रोगाणु से दोस्तों हमारे शरीर की क्या करती है? सुरक्षा करती है। किसे करती है दोस्तों? बाह्य रोगाणु से दोस्तों ये हमारे शरीर की क्या करती है? सुरक्षा करती है। दोस्तों जिस प्रकार से हमारे सीमा के ऊपर सैनिक होते हैं वो सैनिक क्या करते हैं? बाहर से जैसे कोई आतंकवादी हमारे देश के अंदर प्रवेश करता है तो सैनिक उन्हें पराया समझकर क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। वैसे दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी होती है क्या होती है? डब्ल्यूबीसी होती है ये क्या करती है? जो बाहर से हमारे शरीर के अंदर कोई रोगाणु प्रवेश करता है उसे पराया समझकर दोस्तों ये क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। और दोस्तों ये किस में घुली होती है? ये रक्त में घुली होती है। और दोस्तों ये रक्त के विपरीत दिशा में क्या करती है दोस्तों? गति करती है। दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी होती है ये रक्त के विपरीत दिशा में क्या करती है मेरे दोस्तों? गति करती है। तो दोस्तों ये बाह्य रोगाणुओं को क्या करती है? नष्ट करती है। क्या समझकर? प्राय समझकर। इसलिए दोस्तों डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? शरीर का सैनिक कहा जाता है दोस्तों। तो डब्ल्यूबीसी को दोस्तों शरीर का क्या कहा जाता है? सैनिक कहा जाता है दोस्तों। और डब्ल्यूबीसी को और क्या कहते हैं दोस्तों? इसे सुरक्षा की प्रथम पंक्ति भी कहते हैं दोस्तों। सुरक्षा की प्रथम पंक्ति भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सुरक्षा की प्रथम पंक्ति किसे कहा जाता है? तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी को सुरक्षा की प्रथम पंक्ति भी कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम रोगों से कौन लड़ती है? तो दोस्तों सर्वप्रथम रोगों से लड़ती है डब्ल्यूबीसी। और इसे शरीर का क्या कहा जाता है? सैनिक कहा जाता है। और दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है दोस्तों। इसका रासायनिक नाम या इसको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है दोस्तों? ल्यूकोसाइट कहा जाता है दोस्तों। ल्यूकोसाइट है दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। किस किसे मिलकर बना है दोस्तों? ल्यूको प्लस किसे मिलकर बना है दोस्तों? साइट से। ल्यूको प्लस साइट से मिलकर बना होता है दोस्तों। ल्यूको का अर्थ होता है सफेद। क्या होता है दोस्तों? सफेद। और साइट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कोशिका। क्या होता है दोस्तों? कोशिका। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट यानी सफेद कोशिका कहा जाता है। अब दोस्तों तो डब्ल्यूबीसी होती है क्या होती है दोस्तों? तो डब्ल्यूबीसी होती है तो डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं दोस्तों। डब्ल्यूबीसी की क्या होती है? संख्या। डब्ल्यूबीसी की संख्या। तो दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी होती है क्या होती है मेरे दोस्तों? डब्ल्यूबीसी होती है इसकी संख्या होती है दोस्तों 5000 से। कितनी होती है दोस्तों? 5000 से 11000 mm³ होती है दोस्तों। कितनी होती है दोस्तों? 5000 से 11000 mm³। कितनी होती है दोस्तों? 5000 से 11000 mm³ होती है दोस्तों। दोबारा देखो जो डब्ल्यूबीसी होती है डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम व्हाइट ब्लड कॉर्पस सेल होता है। हिंदी में बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं।
दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी होती है, दोस्तों क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, ये भी एक क्या होती है, कोशिका होती है। दोस्तों बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी का हमारे शरीर में कार्य क्या होता है। दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी होती है ये हमारी बाहर वाणों से क्या करती है, सुरक्षा करती है, यानी बाहर से जो वायरस है, जीवाणु है, कवक है, हमारे शरीर में प्रवेश कर हमें क्या करते हैं, रोगग्रस्त करते हैं। तो उन जीवाणु विषाणु से सर्वप्रथम कौन लड़ती है मेरे दोस्तों, डब्ल्यूबीसी लड़ती है। तो बाहर वाणों से क्या करती है, लड़ती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शरीर का सैनिक। तो जो सैनिक होते हैं उनका कार्य क्या होता है, बाहर से कोई आतंकवादी हमारे देश में प्रवेश न करे, कोई बाह्य आतंकवादी हमारे देश में प्रवेश न करे। और प्रवेश यदि प्रवेश कर गया तो हमारे देश के अंदर क्या करेगा, कुछ हलचल मचा देगा। इसलिए हमारे देश के जो सैनिक होते हैं उन आतंकवादियों को सीमा के पार ही क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार ये डब्ल्यूबीसी बाहर वाणों को शरीर में प्रवेश करके क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शरीर का सैनिक। और सर्वप्रथम रोगों से कौन लड़ती है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी लड़ती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सुरक्षा की प्रथम पंक्ति कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, सुरक्षा की प्रथम पंक्ति कहा जाता है दोस्तों। और जो डब्ल्यूबीसी होती है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम दोस्तों, इसका क्या नाम दोस्तों, रासायनिक नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। ल्यूको का अर्थ होता है दोस्तों सफेद, और साइट का अर्थ होता है कोशिका। यानी जो कोशिका है वो कौन से शब्द से बनी है, साइट से। तो साइट का क्या होता है दोस्तों, कोशिका। तो ल्यूकोसाइट के डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, ल्यूकोसाइट होता है। दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी होती है इसकी संख्या कितनी होती है, 5000 से 11000 mmq होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनका जीवन काल कितना होता है, किसकी बात करते हैं, जीवन काल की दोस्तों, किसकी बात करते हैं, जीवन काल की दोस्तों। इनका जो जीवन काल होता है दोस्तों इनका क्या होता है, जीवन काल होता है वो दोस्तों 1 से 4 दिन होता है दोस्तों। इनका जीवन काल कितना होता है, 1 से 4 दिन होता है। अब बात करते हैं दोस्तों तो डब्ल्यूबीसी होती है, क्या होती है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी। तो दोस्तों हमारे शरीर में जब डब्ल्यूबीसी की क्या हो जाती है, कमी दोस्तों, क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो हम तो बोलते हैं कि हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की क्या हो गई, कमी हो गई। और डॉक्टर क्या बोलता है दोस्तों, इसके क्या हो गया, ल्यूकोपीना हो गया दोस्तों, क्या हो गया, ल्यूकोपीना। ल्यूको यानी क्या होता है, व्हाइट, और पीना यानी क्या होता है, कम होना। और दोस्तों अधिकता होना, डब्ल्यूबीसी की क्या होना दोस्तों, अधिकता होना, उसको कहा जाता है दोस्तों ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है दोस्तों, ल्यूकोसाइट कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट, सॉरी ल्यूकोमिया। क्या कहा जाता है दोस्तों, ल्यूकोमिया। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी की अधिक कमी होना तो क्या कहा जाता है, ल्यूकोपीना। डॉक्टर क्या बोलता है, भाई इसके क्या हो गया, इसके ल्यूकोपीना हो गया, यानी डब्ल्यूबीसी की क्या हो जाती है, कमी। और दोस्तों जब डब्ल्यूबीसी की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, क्या हो जाती है, अधिकता होती है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, इसकी क्या हो गया, ल्यूकोमिया हो गया, क्या हो गया, ल्यूकोमिया। अब दोस्तों जब डब्ल्यूबीसी की हमारे शरीर में क्या होती है, कमी होती है, तो भी क्या होते हैं, रोग। और जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की दोस्तों क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो भी हमारे शरीर में क्या होते हैं, रोग। तो कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है दोस्तों, कमी से रोग होता है टाइफाइड। कौन सा रोग होता है दोस्तों, टाइफाइड होता है। और दोस्तों अधिकता से कौन सा रोग होता है दोस्तों, अधिकता से होता है ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर। कौन सा रोग होता है दोस्तों, रक्त कैंसर होता है। और दोस्तों महिलाओं में एक रोग होता है उसका नाम होता है ल्यूकोरिया। तो डब्ल्यूबीसी की अधिकता से महिलाओं में कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, ल्यूकोरिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, ल्यूकोरिया रोग हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी होती है, क्या होती है, डब्ल्यूबीसी। अब बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कहां होता है, लाल अस्थि मज्जा में। दोस्तों लाल अस्थि मज्जा क्या होता है, मैंने बता दिया था कि जो हड्डी होती है दोस्तों, क्या होती है, हड्डी होती है, हड्डी के अंदर का जो खोखला भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, लाल अस्थि मज्जा कहा जाता है। आरबीसी का निर्माण भी कहां होता है दोस्तों, लाल अस्थि मज्जा में होता है। और रक्त का निर्माण भी कहां होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। और दोस्तों डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कहां होता है मेरे दोस्तों, लाल अस्थि मज्जा में होता है। और दोस्तों इसका निर्माण करता कौन है दोस्तों,
इसका निर्माण करता कौन है, किसका, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता तो कहां है दोस्तों, निर्माण होता तो कहां है, लालच नहीं मचाने, करता कौन है डब्ल्यूबीसी का निर्माण, करता कौन है दोस्तों, इसका निर्माण करते हैं थायमस ग्रंथि, कौन करते हैं दोस्तों, थायमस ग्रंथि किसका निर्माण करती है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती है दोस्तों, किसका निर्माण करती है, डब्ल्यूबीसी का क्या करती है, निर्माण करती है दोस्तों, दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी होती है, क्या होती है, जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण तो कहां होता है, लाल अस्थि मज्जा में, और निर्माण होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, जैसे आरबीसी बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है, इथ्रोपोसिस, वैसे ही डब्ल्यूबीसी बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस, क्या कहा जाता है दोस्तों, ल्यूकोसाइटोसिस। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी बनने की क्रिया, डब्ल्यूबीसी बनने की क्रिया, निर्माण होने की क्रिया, डब्ल्यूबीसी बनने की क्रिया, बनने की क्रिया, तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस, सिस का अर्थ होता है दोस्तों, सिस का अर्थ होता है वृद्धि होना, क्या होता है दोस्तों, वृद्धि होना, और साइटो का अर्थ होता है, पता आपको ये दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, कोशिका, और दोस्तों ल्यूको का अर्थ क्या होता है, सफेद, सफेद कोशिका बनना, डब्ल्यूबीसी बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस। अब बात करते हैं दोस्तों डब्ल्यूबीसी को किसकी सहायता से मापा जाता है, डब्ल्यूबीसी को किसकी सहायता से मापा जाता है, तो दोस्तों नाम से पता है कि भाई वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं, वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं, हीमोग्लोबिन को मापने के लिए हीमोसाइटोमीटर का उपयोग करते हैं, तो आप बताओ ल्यूकोसाइट को मापने के लिए कौन से मीटर का उपयोग करेंगे दोस्तों, ल्यूकोसाइट को मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे दोस्तों, ल्यूकोसाइटोमीटर का उपयोग करेंगे दोस्तों, ल्यूकोसाइटोमीटर का उपयोग करेंगे, ल्यूकोसाइटोमीटर। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी को मापने के लिए, दोस्तों डब्ल्यूबीसी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, ल्यूकोसाइटोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों, किसका उपयोग किया जाता है, ल्यूकोसाइटोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। जो डब्ल्यूबीसी होती है, क्या होती है डब्ल्यूबीसी दोस्तों, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है दोस्तों, किसका निर्माण करती है दोस्तों, एंटीबॉडी का निर्माण करती है दोस्तों हमारे शरीर में दोस्तों। डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में किसका निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है दोस्तों, किसका निर्माण करती है, एंटीबॉडी का। ये एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनी होती है, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन किससे बनी होती है दोस्तों, प्रोटीन से बनी होती है दोस्तों, दोस्तों जो एंटीबॉडी होती है किससे बनी होती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनी होती है। और ये एंटीबॉडी क्या करती है, हमारे शरीर में कोई बाह्य रोगाणु, कोई बाह्य रोगाणु हमारे शरीर में दोस्तों क्या करता है, प्रवेश करता है, उसको ये एंटीबॉडी क्या कर देती है, उस प्रतिजन को, रोगाणु को क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रतिजन या एंटीजन कहा जाता है, उस एंटीजन को दोस्तों ये एंटीबॉडी क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। और एंटीबॉडी किसकी बनी होती है दोस्तों, ग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। और ये ग्लोबुलिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है दोस्तों, प्लाज्मा में पाई जाती है, इसकी चर्चा मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर कर दी थी। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अब दोस्तों तो डब्ल्यूबीसी होती है दोस्तों, क्या होती है डब्ल्यूबीसी, तो दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी होती है दोस्तों दो प्रकार की होती है दोस्तों। डब्ल्यूबीसी दोस्तों कितने प्रकार की होती है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी दोस्तों दो प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो होती है दोस्तों अकणिकाणु, या एक तो होती है दोस्तों कणिकाणु, कणिकाणु, और दोस्तों एक होती है अकणिकाणु, अकणिकाणु दोस्तों। एक तो क्या होती है कणिकाणु, एक होती है अकणिकाणु, इसको बोला जाता है ग्रेनुलोसाइट, 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 और दोस्तों इसको बोला जाता है एग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों अकणिकाणु को क्या कहा जाता है ग्रेनुलोसाइट, इसको क्या कहा जाता है एग्रेनुलोसाइट दोस्तों। जो कणिकाणु होती है दोस्तों, क्या होती है दोस्तों कणिकाणु होती है दोस्तों, ये दोस्तों तीन प्रकार की होती है दोस्तों। कितने प्रकार की होती है
दोस्तों ये तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तीन प्रकार की। और दोस्तों ये कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती है। तो दोस्तों ये दो प्रकार की कौन कौन सी होती है इसकी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो दोस्तों तो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो? कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जब आप नौकरी लग जाओगे तो आपकी क्या होगी? शादी होगी। और शादी होने के बाद दोस्तों आप क्या बैठोगे? बांध बैठोगे। क्या बैठोगे दोस्तों? बांध। तो इसकी ट्रिक है बांध। और बांध बैठोगे दोस्तों आप किसके ऊपर बैठोगे? घोड़ी के ऊपर ही बैठोगे। किसके ऊपर बैठोगे दोस्तों? घोड़ी पे। तो घोड़े पर बैठोगे तो आपकी जो रैली निकलेगी वो किसकी तरह निकलेगी? एमएलए की तरह। किसकी तरह निकलेगी दोस्तों? एमएलए की तरह आपकी क्या निकलेगी? रैली निकलेगी। तो दोस्तों तो कणिकाम होती है कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की दोस्तों। कौन कौन सी होती है दोस्तों? एक होती है बेसोफिल, बेसोफिल्स दोस्तों। एक होती है एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स क्या होती है दोस्तों? एसिडोफिल्स दोस्तों इसको ईओसिनोफिल्स भी कहते हैं, ईओसिनोफिल्स, ईओसिनोफिल्स दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? ईओसिनोफिल्स भी कहा जाता है दोस्तों। इसको कहा जाता है न्यूट्रोफिल्स दोस्तों। क्या कहा जाता है इसे? न्यूट्रोफिल्स। क्या कहा जाता है दोस्तों? न्यूट्रोफिल्स दोस्तों। तो बेसोफिल होती है, क्या होती है दोस्तों? बेसोफिल होती है। ये बेसोफिल शब्द किससे बना है दोस्तों? बेस। और बेस यानी क्या होता है दोस्तों? छाप होता है। और दोस्तों ये एसिडोफिल्स होती है, एसिडोफिल्स होती है दोस्तों। ये बनी है एसिड से, किससे बनी है दोस्तों? एसिड से बनी है दोस्तों। और ये दोस्तों ये बनी है न्यूट्रल से, किससे बनी है? न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रल होता है उदासीन। क्या होता है दोस्तों? उदासीन होता है दोस्तों। क्या होता है? उदासीन। तो बेस से क्या बना है? बेसोफिल्स। ए यानी क्या बना है? एसिडोफिल्स। और नाइन यानी न्यूट्रोफिल्स दोस्तों। जो बेसोफिल्स होती है दोस्तों, क्या होती है? बेसोफिल्स होती है दोस्तों। इनकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? इनकी प्रकृति होती है दोस्तों क्षारीय होती है दोस्तों। इनकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? क्षारीय। और दोस्तों इनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है दोस्तों। और ये क्या होती है दोस्तों? स्वादहीन होती है, इनका कोई स्वाद नहीं होता। अब दोस्तों जो बेसोफिल्स होती है ये सर्वाधिक मात्रा में होती है दोस्तों। किसमें होती है दोस्तों? सर्वाधिक मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है? तो संख्या के आधार पर सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों कौन सी होती है? बेसोफिल्स होती है। और दोस्तों इसकी मात्रा होती है 60 से 65%। कितनी होती है दोस्तों? कुल डब्ल्यूबीसी की कितनी होती है? ये 60 से 65% होती है। और दोस्तों सबसे कम होती है दोस्तों। ये क्या होती है? सबसे कम होती है दोस्तों। इनकी संख्या होती है 0.5 से 1% होती है। तो सबसे कम कौन सी होती है? बेसोफिल होती है। और सर्वाधिक कौन सी होती है दोस्तों? सर्वाधिक होती है दोस्तों न्यूट्रोफिल से। और दोस्तों इनकी संख्या होती है 60 से 65% होती है दोस्तों। कितनी होती है? 60 से 65% होती है। तो दोस्तों तो कणिकाणु जो डब्ल्यूबीसी होती है इनको ग्रैनुलोसाइट कहा जाता है दोस्तों। ये तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सी? बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली डब्ल्यूबीसी होती है न्यूट्रोफिल्स। कितनी प्रतिशत होती है कुल डब्ल्यूबीसी की? 60 से 65% होती है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? स्वादहीन होती है। सबसे कम डब्ल्यूबीसी की संख्या कौन सी होती है? बेसोफिल्स। सभी में से सबसे कम कौन सी होती है? बेसोफिल्स होती है। इनकी मात्रा होती है 0.5 से 1% होती है। और दोस्तों वैसे इनकी ये कितनी प्रतिशत होती है दोस्तों? 3 से 4% होती है। एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स कितनी होती है? 3 से 4% होती है। और दोस्तों न्यूट्रोफिल्स होती है दोस्तों, क्या होती है दोस्तों? न्यूट्रोफिल्स होती है दोस्तों। ये न्यूट्रोफिल्स होती है, ये भक्षक का कार्य करती है दोस्तों। भक्षक कोशिकाओं का कार्य करती है दोस्तों। कैसा कार्य करती है? भक्षक कोशिकाओं का। जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई एंटीजन प्रवेश करता है तुरंत उसको क्या कर जाती है? खा जाती है। तो न्यूट्रोफिल्स किसका कार्य करती है दोस्तों? भक्षक कोशिकाओं का कार्य करती है। जब दोस्तों हमारे शरीर के अंदर एलर्जी हो जाती है तो उनसे कौन सी डब्ल्यूबीसी करती है दोस्तों? इओसिनोफिल्स। तो ये एलर्जी से क्या करती है? एलर्जी
से क्या करती है, सुरक्षा करती है दोस्तों। एलर्जी क्या करती है, सुरक्षा। हमारे शरीर में एलर्जी होता है, जाती है उसे कौन लड़ती है दोस्तों, इयोसिनोसिन से लड़ती है। अब दोस्तों बात करते हैं अकणिकाणुओं की। अकणिकाणुओं को क्या कहा जाता है दोस्तों, एग्रैनुलोसाइट। ये दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एमएनी होता है, मोनोसाइट, 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 और दोस्तों एक होती है दोस्तों ल्यूकोसाइट। क्या होती है दोस्तों, ल्यूकोसाइट। क्या होती है दोस्तों, ल्यूकोसाइट। दोस्तों जो मोनोसाइट होती है यह अकणिकाणु में सर्वाधिक मात्रा में होती है, सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी किसमें दोस्तों, अकणिकाणु में। तो अकणिकाणु में सबसे बड़ी कौन होती है, मोनोसाइट, और छोटी कौन होती है, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट। कौन होती है दोस्तों, सॉरी ल्यूकोसाइट नहीं, लिम्फोसाइट। क्या होता है दोस्तों, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। तो सबसे छोटी कौन सी होती है, लिम्फोसाइट होती है दोस्तों। और दोस्तों जो लिम्फोसाइट होती है, क्या होती है दोस्तों, लिम्फोसाइट होती है दोस्तों, ये तीन प्रकार की होती है दोस्तों। मुख्यतः कितने प्रकार की होती है दोस्तों, तीन प्रकार की होती है दोस्तों। कितने प्रकार की होती है दोस्तों, तीन प्रकार की होती है। तो लिम्फोसाइट दोस्तों, लिम्फोसाइट कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। तो होती है टी लिम्फोसाइट, जो होती है दोस्तों टी लिम्फोसाइट। क्या होती है दोस्तों, टी लिम्फोसाइट दोस्तों। दूसरी होती है बी लिम्फोसाइट, जो होती है बी लिम्फोसाइट। क्या होती है दोस्तों, बी लिम्फोसाइट। और दोस्तों तीसरी कौन सी होती है दोस्तों, तीसरी कौन सी होती है दोस्तों, तीसरी होती है मारक कोशिकाएं। क्या होती है, मारक कोशिकाएं दोस्तों। क्या होती है, मारक कोशिकाएं होती है। क्या होती है, मारक कोशिकाएं दोस्तों। तो मोनोसाइट होती है दोस्तों, दोस्तों क्या होती है, मोनोसाइट। किसका कार्य करती है, महाभक्षक, महाभक्षक कोशिकाओं का कार्य करती है दोस्तों। किसका कार्य करती है, महाभक्षक कोशिकाओं का क्या करती है, कार्य। यानी सर्वाधिक मात्रा में बाहर से प्रवेश करने वाले रोगाणु या एंटीजन या प्रतिजन को सर्वाधिक मात्रा में कौन नष्ट करती है दोस्तों, मोनोसाइट या मोनोसाइट। दोस्तों मोनोसाइट होती है यह सबसे बड़ी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी अकणिकाणु में सबसे बड़ी होती है, और महाभक्षक का क्या करती है, कार्य करती है। तो दोस्तों महाभक्षक का कार्य करती है मोनोसाइट, और भक्षक का कार्य दोस्तों, किसका कार्य दोस्तों, भक्षक का कार्य कौन सी कोशिका करती है दोस्तों, न्यूट्रोफिल्स करती है दोस्तों। दोस्तों इनकी मात्रा होती है 6-8% होती है दोस्तों। कितनी होती है इनकी मात्रा, 6-8% होती है दोस्तों। इनकी मात्रा होती है 20-25%। कितनी होती है दोस्तों, 20-25% होती है दोस्तों। दोबारा देखो, हमने बात की है कि डब्ल्यूबीसी होती है, क्या होती है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी दोस्तों दो प्रकार की होती है, अकणिकाणु और अकणिकाणु, इनको ग्रैनुलोसाइट और एग्रैनुलोसाइट भी कहा जाता है दोस्तों। तो अकणिकाणु होती है तीन प्रकार की होती है, इसकी क्या याद रखना, बॉन्ड बे यानी बेस, ए यानी एसिड, एन यानी न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रल्स। तो बी से क्या बना है, बेसोफिल्स, ए से क्या बना है, एसिडोफिल्स। देखो इसमें भी फिल्स है, इसमें भी लास्ट में क्या है, फिल्स, इसमें भी क्या है, फिल्स। बेस से बेसोफिल्स, एसिड से एसिडोफिल्स, और न्यूट्रल से न्यूट्रो न्यूट्रोफिल्स बना है दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं अकणिकाणु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है दोस्तों, न्यूट्रोफिल्स, और सबसे कम कौन सी पाई जाती है पूरी डब्ल्यूबीसी में, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है, न्यूट्रोफिल्स, और सर्वाधिक कम मात्रा में कौन सी पाई जाती है, बेसोफिल्स पाई जाती है दोस्तों। जो न्यूट्रोफिल्स होती है इनकी संख्या 60-65% होती है, बेसोफिल्स की संख्या 0.5-1% होती है, इसकी 3-4% होती है दोस्तों। जो न्यूट्रोफिल्स होती है इनको दोस्तों भक्षक कोशिकाएं भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, भक्षक कोशिकाएं दोस्तों। अकणिकाणु होती है इनको ग्रैनुलोसाइट कहा जाता है दोस्तों। ये मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है दोस्तों। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दोस्तों। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी का निर्माण कौन करता है, सॉरी एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है दोस्तों, एंटीबॉडी का निर्माण करती है डब्ल्यूबीसी। और दोस्तों डब्ल्यूबीसी में भी दोस्तों, डब्ल्यूबीसी में भी कौन करती है, टी लिम्फोसाइट। तो दोस्तों टी लिम्फोसाइट किसका निर्माण करती है हमारे शरीर में, एंटीबॉडी का निर्माण करती है दोस्तों। तो टी लिम्फोसाइट हमारे शरीर में किसका निर्माण करती है दोस्तों, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। और दोस्तों टी लिम्फोसाइट को थायमस ग्रंथि का, थायमस ग्रंथि का दोस्तों प्रशिक्षण केंद्र भी कहा जाता है, थायमस ग्रंथि का प्रशिक्षण केंद्र। क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रशिक्षण केंद्र। तो दोस्तों कौन सी,
डब्ल्यूबीसी को थायमस ग्रंथि का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है, तो टी लिम्फोसाइट को थायमस ग्रंथि का क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। दोस्तों आप इसके बाद में हम चर्चा करेंगे दोस्तों किसकी, प्लेटलेट्स की। किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, प्लेटलेट्स की। दोस्तों आप चर्चा करते हैं हम प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को दोस्तों पट्टिकाणु भी कहा जाता है, और दोस्तों तो प्लेटलेट्स होती है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट। दोस्तों थ्रोम्बोसाइट है, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। थ्रोम्बो का अर्थ होता है दोस्तों, थ्रोम्बो का अर्थ क्या होता है दोस्तों, थ्रोम्बो का अर्थ होता है दोस्तों रक्त का थक्का, रक्त का थक्का। क्या होता है दोस्तों, थ्रोम्बो का अर्थ होता है रक्त का थक्का, और साइट का अर्थ क्या होता है, कोशिका। क्या होता है दोस्तों, कोशिका। तो रक्त का थक्का जमाने वाली कोशिका को क्या कहा जाता है दोस्तों, ग्रीक भाषा में थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। तो दोस्तों प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा, प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है दोस्तों, प्लेटलेट्स का कार्य होता है दोस्तों रुधिर का थक्का जमाना, रुधिर का थक्का जमाना, रुधिर का थक्का जमाना या रुधिर का थक्का बनाना। अब दोस्तों बात करते हैं इनके जीवन काल की दोस्तों, इनका जीवन काल कितना होता है दोस्तों। जो प्लेटलेट्स होती है इनका जीवन काल होता है दोस्तों 5 से 7 दिन होता है। दोस्तों बात करते हैं इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, इनकी जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है 1.5 लाख से 1.5 लाख से 4 लाख एमएम के होती है, एमएम क्यूब होती है, घन प्रति क्यूब होती है। और दोस्तों जो प्लेटलेट्स होती है दोस्तों क्या होती है, प्लेटलेट्स इसका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, इसका निर्माण भी दोस्तों लाल अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। कहाँ होता है दोस्तों, लाल अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। और दोस्तों जो प्लेटलेट्स होती है दोस्तों इसका कार्य क्या है, रुधिर का थक्का जमाना। जीवन काल कितना होता है मेरे दोस्तों, 5 से 7 दिन होता है दोस्तों। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, इनकी संख्या होती है 1.5 लाख से 4 लाख एमएम क्यूब होती है। निर्माण कहाँ होता है मेरे दोस्तों, इसका निर्माण होता है दोस्तों लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है दोस्तों, लाल अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। दोस्तों जो प्लेटलेट्स होती है इनके अंदर केंद्रक दोस्तों, इनके अंदर केंद्रक व वर्णक क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं दोस्तों। केंद्रक व क्या होते हैं, वर्णक अनुपस्थित होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, केंद्रक और वर्णक अनुपस्थित होते हैं दोस्तों। जब इनकी कमी हो जाती है तो रोग कौन सा हो जाता है दोस्तों, रोग हो जाता है मलेरिया। कौन सा रोग हो जाता है, मलेरिया व डेंगू रोग हो जाता है। और दोस्तों इस रोग के अंदर प्लेट्स क्या होने लगती है, कम क्या होने लगती है, प्लेट्स कम होने लगती है, जिसके कारण दोस्तों रक्त शरीर के बाहर आने लगता है दोस्तों, रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। दोबारा देखते हैं दोस्तों, दोबारा चर्चा करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को पट्टिकाणु कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट होता है। थ्रोम्बो का अर्थ होता है रक्त का थक्का, और साइट का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों, कोशिका होता है। इसका कार्य क्या होता है, रुधिर का थक्का जमाना दोस्तों। इसका जीवन काल कितना होता है, 5 से 7 दिन होता है दोस्तों। प्लेटलेट्स होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, 1.5 लाख से 4 लाख एमएम क्यूब होती है दोस्तों। इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में होता है। और दोस्तों बात करते हैं इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो दोस्तों इसकी मृत्यु कहाँ होती है, इसकी मृत्यु होती है दोस्तों पलिया में होती है दोस्तों। कहाँ होती है, पलिया में होती है। और कभी कभी बात कहाँ हो जाती है दोस्तों, कभी कभी बार यकृत में भी होती है। कहाँ होती है दोस्तों, यकृत में होती है दोस्तों। तो प्लेटलेट्स होती है, इसमें केंद्रक और वर्णक दोनों क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और दोस्तों इसकी कमी से मलेरिया और डेंगू संबंधित क्या होते हैं, रोग होते हैं। और मलेरिया जो डेंगू रोग होता है उसमें प्लेटलेट्स की क्या होती है, कमी होती है, जिससे रक्त क्या होने लगता है, बाहर आने लगता है दोस्तों। तो हमने रक्त के दोनों भागों की चर्चा कर ली, द्रव भाग और ठोस भाग। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे रक्त समूह। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रक्त समूह पढ़ेंगे। और रक्त समूह पढ़ने के बाद दोस्तों पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र में दोस्तों क्या पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और हार्ट के बारे में विस्तृत रूप से क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करने के आपके पैसे नहीं लगते। और दोस्तों यदि आपको हस्तलिखित नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप दोस्तों इनको क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।